अरे भैया, इतना परेशान काहे हो रहे हैं? भाभी को जितना प्यार सत्कार देना चाहिए था, आपने उससे कहीं ज्यादा दिया। अब ओकेरे बाद भी अगर भाभी को कुछ ना समझ में आए तो आपके परेशान होने का क्या फायदा, बताइए जरा। भैया, आपने जो किया सही किया, अब उनको बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए। भाभी ने जो आपके साथ किया क्या वो सही किया? उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था आपके साथ। अरे भैया, हमें एको बात नहीं समझ में आई कि भाभी आपको छोड़ के जाने के बाद ऐसे घूम रही हैं। यहाँ आप सुधबुद खोए हुए हैं, कुछ खाए पिए नहीं, और वहाँ भाभी चाट पापड़ी खा रही। अरे भैया, एक बात बताएं, किसी ने सही कहा है, जो औरत जात है ना, इको ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, एकदमे साथ रखना चाहिए। कहा है ना कि औरत जात का कोनो भरोसा नहीं होता। भैया बताए रहे, ए कटरा नरेश, ये कहाँ अपने कलयुगी बाबा सपूत घूम रहे होंगे बाबूजी कहीं मजनू बन के? लैला लैला, और काम है का कोनो? अरे यार, उसको जल्दी से कोनो काम में उलझा दियो, नहीं इसे लोफर गिरी करता रहेगा वो, समझाओ उसको। हमार को बलिया खुश है ना? अम्मा, अब सब खुश होंगे। पूछो काहे? कुछ लोगों ने इच्छा जताई है अपनी बिटिया का ब्याह हमरे बाबा से करने को, समझे? धीरे धीरे सबको पता लग रहा है, और एक दिन पूरा इलाहाबाद हमरे दरवाजे पे बाबा का ब्याह करने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। तो बबुआ राजी हो जाए बस, और राजी कैसे नहीं होगा? ये बताओ कि आखिर प्रोफेसर की बिटिया से इसको का मिल गया? फालतू की मोहब्बत, 4 दिन की मजनूगिरी, फिर पैदल। अरे उसको तो एक तो खिलौना चाहिए था, खिलौना जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, रोने लगता है, मिल जाए तो तोड़ के फेंक देता है ना, वैसे प्रोफेसर की बिटिया भी बाबा के लिए कोनो खिलौना से कम नहीं रही। तो प्रोफेसर अपनी बिटिया को अपने घर में बैठा के रखे हैं, देखते हैं बिटिया को मायके में बैठाल के रखने से का मिलता है, जरा हम भी देखते हैं। हम भी तो अपने मायके में बैठे हैं ना बाबूजी। अरे घंटी, बड़ी याद आ रही तुमको ससुराल की बेटा कोमल? हम का पूछ रहे हैं, याद आ रहा है ममफोड़गंज का? बोलो बोलबो। तो याद कैसे नहीं आएगी? अगर कौनो एको जानवर के साथ रहता है ना, तो उसके साथ भी सा मोह हो जाता है। अरे वो तो हमारा ससुराल है, और यहाँ की तरह ना हमको कौनो हुआ मारता नहीं है कि हमारा जाने का मन नहीं करेगा। और इका बाबा बाबा लगा के रखा है, कौनो हमरे बारे में कहीं नहीं सोचता? हम कौनो कठपुतली है का? अगर हमारी शादी टूट गई ना, तो जग हसाई होगी, बदनामी होगी तुम्हारी। वो तो लड़का है, उके लिए तो पूरा इलाहाबाद आ जाएगा, लेकिन हमरे लिए कौन आएगा? सोचा है कभी? हाँ, सुन लिया सुन लिया। तुम्हारा बेटा बहुत गुस्से में है, अजीब हाथ जल रहा है भाई। अरे बेटा, अरे यही लिए तो हम दोबारा वो प्रतिज्ञा को यहाँ लाने की सोच रहे हैं ना बेटा। सज्जन सिंह झुकने वालों में से नहीं ना बेटा, हम उसको यहाँ
बुलाए रहे हैं, आती है नहीं आती है उसकी मर्जी, लेकिन बेटा हम अपनी कुमलिया का घर और उसकी शादी टूटने नहीं देंगे। सच में बाबूजी? बेटा तुमको ऐसा थोड़ा छोड़ेंगे। अरे ढूंढो यार, ढूंढो ना अपने रंगबाज को, कहाँ है ससुर? देखता हूँ बाबूजी। हाँ ले आओ। तो चिंता ना, हम है ना तो मैं बेटा सताप तो बजाओ ना घंटी। खुश खुश। अब मम्मी आज हम खाना नहीं खा पाएंगे। क्यों? लोग चाट खा के आए ना। देख रहे हो मम्मी, हमारी आरुषि की जीभ कितनी लंबी है, इतनी चोट लगी थी फिर भी चाट खाने से बाज नहीं आई। क्यों आरुषि? चोट हाथ पे लगी है, जीभ पे नहीं। आप भी ना जब देखो तब। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से ही सही प्रतिज्ञा का मन बहल गया होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज की चाट तो हमें हमेशा याद रहे। मम्मी आज पता है, आज ना स्टिचेस लेते टाइम आरुषि ना चिल्लाई और ना तो रोई। अरे क्या बात कर रही हो, हमारी आरुषि हॉस्पिटल और डॉक्टर के नाम से तो ऐसे डरती है, तो आज इतनी बहादुर कैसे हो गई? बता दूं कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया। अरे बेटा आप बता भी दो ऐसे कैसे हो गया? अरे कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया होगा। हाँ इसे तो डॉक्टर बहुत ही अच्छे लगे। वो दीदी के कहने का मतलब है कि इलाज बहुत अच्छे से किया उन्होंने, अब दर्द ही नहीं हुआ। अच्छा लो तुम्हारे पापा भी आ गए, हम दरवाजा खोलते हैं ठीक है, तुम खाना लगा। खुल गए ना तेरे, अरे अपनी मर्जी चलाओगी? सलाम प्यार से समझा, तुम्हारी समझ में नहीं आई ना, अब ऐसे चल हमरे। कृष्णा कृष्णा ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ए कोई बीच में नहीं आएगा बता रहे हैं। क्या बोली थी? तुम्हारे पति बनने के लायक नहीं है। अब चल चल तुम्हें बताते हम किसके लायक हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मटर गस्ती, चल। कृष्णा ये तुम क्या कर रहे हो? रवि तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो इससे ज्यादा की हकदार है। लेकिन ये तो क्या कर रहे हो? अरे चुप पे बैठ के नाश्ता करो जैसे कर रहे थे, समझो? अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है, समझो? ये क्या गुंडा करती है? अरे गुंडाई, अरे प्यार की भाषा समझते हो का? और अफसोस की बात तो ये है कि अपनी बीवी के साथ करनी पड़ रही है। कृष्णा ये क्या बदतमीजी है? देखो गन नीचे कर दो, प्रतिज्ञा को छोड़ो। मैं तुम्हारे कहने से छोड़ेंगे का? चुप पे चाप वहीं खड़े रहो, बता रहे हैं।
अरे सर फिरा हुआ हमरा, गोली चलाए देंगे बोल रहे। अब ना नकुर नहीं, चुप्पे चाप हमारे साथ चलो, समझे हो? आज एक बार फिर कृष्णा ने अपनी हद पार कर दी। इससे ज्यादा अब और क्या होगा? हमें अपनी बहन की वजह से चुप रहना पड़ा, नहीं तो इतनी जबरदस्ती, वो भी अपने ससुराल में, वो भी अपनी पत्नी के साथ, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हमने आज तक उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त किया, शायद ये उसी का नतीजा है। लेकिन बस अब और नहीं, हम उसको सीख दे के ही रहेंगे, वरना वो हमारी चुप्पी को हमारा डर समझता रहेगा। आदर्श तुम क्या कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? किसे फोन कर रहे हो? हम पूछे तुम किसे फोन कर रहे हो? मम्मी पुलिस को फोन कर रहे हैं। मम्मी हमें मत रोके आज, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आएंगे तुम कुछ नहीं करोगे। हटो यहां से, जाओ अपने कमरे में जाओ। कुछ भी सोचे पापा, वो प्रतिज्ञा कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? कहाँ गई है? पापा, कृष्ण आया था और वो दीदी को लेके चला गया। अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ जो कृष्ण आकर खुद ही प्रतिज्ञा को ले गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं पापा, उसके सर पर बंदूक तान के उसे जबरदस्ती लेके गया है। ये क्या कर,
कृष्णा छोड़ो हमें, कृष्णा छोड़ो, कृष्णा दांत दे रहा, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसे जानवरों वाला बर्ताव, कृष्णा छोड़ दो। क्या करें, तुम काम ही ऐसा करती कि ना चाहते हुए भी हमको जानवरों जैसा बर्ताव करना पड़े। सही कहते हैं, औरत को ज्यादा आजादी हजम नहीं होती। अब आप ही बताइए, क्या ये सब ठीक है? कृष्णा प्रतिज्ञा का पति है, शादी के बाद हमसे ज्यादा हक प्रतिज्ञा पर उसका है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है। जाता है क्या? कभी सुना है आपने? गुंडा है वो, दीदी के साथ साथ हम सब लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है उसने। और कौन सा हक है ज्यादा उसका दीदी के ऊपर, प्यार करने का या फिर परेशान करने का? और पापा हर बार एक नया ड्रामा। वो समझता क्या है अपने आप को? जब चाहे गन दिखाएगा हम लोग चुप हो जाएंगे। आज वो सरेआम प्रतिज्ञा को किडनैप करके लेके गया है, इसे क्या समझेंगे आप बताइए? इसे किडनैपिंग नहीं कहेंगे बेटा, वो उसका पति है। पति होने से क्या मतलब है पापा? ये सब काम उसके लिए नया नहीं है, उसने पहले भी तो प्रतिज्ञा को किडनैप किया था ना। वो सब क्या था? वो कुछ भी किए जा रहा है, हम ढके चले जा रहे हैं। अगर वो किडनैप करता है तो हम उसे अधिकार कहने लगते हैं। ये सब क्या है पापा? कृष्णा ने आज तक जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ जोर और जबरदस्ती के बल पर किया है। जब से वो हम सब लोगों की जिंदगी में आया है तब से उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गोली, बंदूक, किडनैपिंग, अब इससे ज्यादा और क्या बाकी है? अबे शादी को तुड़वाने के लिए पहले उस ससुरे नितिन को पिटवाए ताकि इल्जाम कृष्णा भैया पर जाए। दीवार पर कृष्णा प्रतिज्ञा का नाम लिखवाया ताकि नाम कृष्णवा का है, और आखिर में आपकी प्रतिज्ञा को अगवा करवाया। पैसा जाते हैं 5,00,005 दिन। अगर हमको पैसा ना मिले तो ये सारी फोटो पोस्टर बन के इलाहाबाद के दीवारों पे चिपक जाएगी और आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी और सुपर डुपर हिट। लेकिन कृष्णा ने प्रतिज्ञा को किडनैप नहीं किया था।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।